Welcome back, guys. So today we will discuss the update on GST, and you can see on the screen that this is related to GST ITC set of new rules. जी हाँ guys, आपको पता होगा कि अब ITC के जो हम set off करते हैं for paying GST liability, उसके rules change हो गए हैं. पहले rule था 49, अब जो rule आया है वो applicable जो होंगे वो होंगे 49A and 49B. Guys, ये बहुत important है और ये आपकी वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ दे विल गोइंग टू इंपैक्ट योर वर्किंग कैपिटल. मैंने उसका पूरा एग्जांपल बनाया हुआ है, आप प्लीज ये एंड तक वीडियो देखना. और ये रूल्स कब से अप्लाई है, इफेक्टिव 1 फरवरी 2019. इट मींस कि जो आप फेब की रिटर्न फाइल करोगे 3B, तब आपको ये रूल अप्लाई करना है. मतलब 3B की रिटर्न कब जानी है, फेब मंथ की, दैट इज बाय मार्च 19, मतलब 20th March 19, और उसके बाद तो फिर एप्लीकेबल ही है. तो आपको जो अभी जो 5 दिन रह गए हैं, जो 20th March आना है, तो उसको आपको जो रिटर्न फाइल करनी है उसमें ये रूल एप्लीकेबल करना है, न्यू रूल. तो उसमें आपको मैं क्या बताऊंगा, टॉपिक क्या कवर्ड है, ओल्ड रूल की जो पहले क्या रूल बताता था, न्यू रूल, जो न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, और ये दोनों रूल्स को मैं आपको टेबुलर फॉर्म में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में और एग्जाम्पल के साथ, कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी. और आपको उसके बाद मैं आपको एक इंपैक्ट एनालिसिस बताऊंगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क पड़ रहा है. तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो गाइस, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, सीजीएसटी एक्ट 2017 था उसको अमेंड कर दिया. मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, आपको फिर एट दी एंड नटशेल में आपको मैं बताऊंगा कि हाँ एग्जैक्टली इंपैक्ट कहां पर है. सीजीएसटी एक्ट 2017 है, उसमें हमारे पास रूल 49 है. तो गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2019 को इसको अमेंड कर दिया और चेंजेस कर दिए. किस सेक्शन में, सेक्शन 49 में, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू सेक्शन 49A एंड 49B व्हिच इज अंडर. मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं. 49A एग्जैक्टली क्या है, 49A गाइस ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 49. इसका मीनिंग है कि सेक्शन 49 में कुछ भी लिखा हुआ है हमें उससे नहीं पता, हमें ये रूल अब अप्लाई करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ. और ये क्या बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूटी टैक्स shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax or unit tax as the case may be. Only after input tax credit available on account of integrated tax has been utilized fully towards this payment. मैं आपको बताता हूँ सर इसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली एक्चुअल में. तो ये कह रहा है कि ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपको जो भी लाइबिलिटी पे करनी है, आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स यूज करना है. सबसे पहले आपको इंटीग्रेट टैक्स यूज करना है, पहले आईजीएसटी पे करना है. मतलब पहले आप आईजीएसटी को पे करने के लिए आईजीएसटी यूज करोगे, कुछ बचेगा तो सीजीएसटी यूज करेंगे, फिर एसजीएसटी, फिर कुछ बड़े मतलब या यूजीएसटी एज द केस में भी. आप तो कहोगे ये तो वही है, ये तो पहले भी हम यही करते थे, आईजीएसटी को पे करने के लिए आईजीएसटी यूज करते थे, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी या एज द केस में भी यूजीएसटी. बट गाइस चेंज यहां पर नहीं है, चेंज है सीजीएसटी के केस में, कि आपको सीजीएसटी को पे करने के लिए पहले अब यूज करना होगा आईजीएसटी, फिर कुछ अगर पेमेंट रह जाएगी तो आपको यूज करना पड़ेगा सीजीएसटी. ऐसे एक एसजीएसटी केस में पहले हम यूज कर सकते थे एसजीएसटी को पे करने के लिए, गाइस क्या कर सकते थे, एसजीएसटी. बट अब हमने न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले यूज एसजीएसटी को पे करने के लिए आईजीएसटी. अब मुझे कैसे पता लगा ये कहां लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं दोबारा से, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूटी टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. मैं रुकता हूं, इन्होंने कहा है कि आपको जो सेंट्रल टैक्स का इनपुट है ना, मैं वन बाय वन पढ़ता हूं, हम पहले गाइस यहां तक पढ़ेंगे, यहां तक बिल्कुल ठीक है हम पढ़ेंगे. देख इन्होंने क्या लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. मतलब जो सीजीएसटी का इनपुट है वो सबसे पहले यूटिलाइज होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब आईजीएसटी के लिए, कुछ बचेगा तो यूज होगा वो सीजीएसटी के लिए, फिर एसजीएसटी के लिए. ऐसे हम स्टेट टैक्स के लिए पढ़ते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. मतलब कि एसजीएसटी का क्रेडिट पहले आपको यूज करना है पे करने के लिए आईजीएसटी को, फिर कुछ बचेगा तो सेंट्रल टैक्स के लिए तो वो अलाउड ही नहीं है, तो स्टेट टैक्स को.
और ये लाइन क्या लिखी हुई गाइस, एज ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी हैज फर्स्ट बीन यूटिलाइज्ड फुली। मतलब ये बोल रहा है कि आपको पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना है आईजीएसटी को पे करने के लिए, उसके बाद आपको कुछ यूज करना है। मतलब ये तो गाइस पहले भी था, चलो ठीक है, आई गेस आपको ये समझ आ गया, इट्स ओके। अगर आपको अभी कम समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको वहां बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में समझ में आ जाएगा। अब 49B क्या कहता है गाइस, ये कह रहा है कि ये यहां पर गवर्नमेंट की पावर बता रहा है कि गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि हाँ वो कभी भी यूटिलाइजेशन का इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल चेंज कर सकती है, तो यही बताया। बट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 49। मतलब 49 में कुछ भी लिखा है कुछ नहीं, अब कुछ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 49A और 49B अप्लाई होगा, बट 49 के जो क्लोज ई और क्लोज एफ हैं ऑफ सब सेक्शन 5 वो अभी भी एप्लीकेबल होंगे। गाइस ये बहुत सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज ई और क्लोज एफ एग्जैक्टली है क्या। क्लोज ई और एफ है कि आपको ये लिखा कि आपको सीजीएसटी यूटिलाइज नहीं करना पेमेंट के लिए एसजीएसटी के लिए, और एसजीएसटी यूटिलाइज नहीं करना सीजीएसटी के लिए। मतलब आप इन दोनों को क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये हमें पहले भी पता और अभी भी यही है। इन अदर वर्ड्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज, दैट इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड वाइस वर्सा। मतलब ना सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज हो सकता है, ना एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए यूज हो सकता है। मतलब इन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। आई होप ये क्लियर है आपको। सो गाइज अब हमारा ओल्ड रूल क्या है, मैं आपको टेबल फॉर्म में बताया ठीक है गाइज। ओल्ड रूल क्या बोलता था आपको, अभी तक क्या हो रहा था कि आपको जब आईजीएसटी पे करना है गाइस, आपको आईजीएसटी को पे करने के लिए पहले यूटिलाइज करना है आईजीएसटी, अगर कुछ रह जाता है गाइस देन सेट अप फ्रॉम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर फिर भी कुछ बच जाता है। ऐसे सीजीएसटी को पे करने के लिए पहले सीजीएसटी यूज करते थे फिर आईजीएसटी, ऐसे एसजीएसटी को पे करने के लिए पहले यूटिलाइज करते हैं एसजीएसटी फिर आईजीएसटी का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका एग्जांपल नीचे है, डोंट वरी। सो आई गेस आपको आई होप कि आपको ओल्ड रूल पता लग गया। अब न्यू रूल क्या है, न्यू रूल इफेक्टिव है 1 फरवरी 2019 से। यही लिखा हुआ है कि आपको जो फेब मंथ की जो जीएसटी आर 3 भी जाएगी, जैसे कि मार्च 19 में जाएगी गाइस, जैसे अभी 20th को जाएगी, तो आपको उसमें ये न्यू रूल एप्लीकेबल करना है गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको फंड्स अभी गैदर करने हैं कि एग्जैक्टली आपको, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। तो न्यू रूल क्या बोलता है गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखना और देखना कि हाँ क्या चेंज आ रहा है इसमें, कि आपको आईजीएसटी को पे करने के लिए पहले, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ, मतलब पहले क्या यूज करना है आईजीएसटी, उसके बाद कुछ बच जाएगा तो देन सेट ऑफ फ्रॉम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये पहले भी यही था अभी भी यही है, चेंज कहां है गाइस, यहां चेंज है। अगर आपको तो मैं इसको येलो कर दूं, येलो कर दिया, तो चेंज यहां पर है, आपको सीजीएसटी को पे करने के लिए पहले यूटिलाइज करना है आईजीएसटी, अगर फिर भी कुछ सीजीएसटी की लाइबिलिटी रहती है तो देन सेट ऑफ फ्रॉम सीजीएसटी। आई होप आपको रीड करना आ रहा है गाइस ये टेबल। ऐसी एसजीएसटी को पे करने के लिए गाइस पहले आपको यूटिलाइज करना है आईजीएसटी देन सेट ऑफ फ्रॉम एसजीएसटी। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फटाफट से, इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। आपको आईजीएसटी को पे करने के लिए फर्स्ट यूज IGST, then CGST, फिर कुछ रह गया तो SGST। ऐसी CGST को पे करने के लिए पहले यूज करना है IGST, कुछ रह गया बैलेंस है तो CGST। ऐसी सेम इज द केस विद SGST, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं, तो ये ऊपर जो मैंने बोला गाइस ये वही लिखा हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, आप पढ़ लेना बाद में, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे पूछ लेना, तो बट ये वही चीज है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होगा और कैसे इंपैक्ट करेगा, आपको ये समझ में आएगा। देखो गाइस मैंने अब सेम मैंने इलस्ट्रेशन लिया, फिगर सेम लिए हैं, ओल्ड रूल भी अप्लाई करेंगे और न्यू रूल भी अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली हुआ क्या है एक्चुअली में फिर, ठीक है। तो हुआ ये है कि अब सपोज करो आपकी जीएसटी कंपोनेंट लिखा हुआ, मतलब आईटी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है आपकी और इनपुट क्रेडिट आपके पास कितना पड़ा है। अब आपको सपोज करो जैसे आईजीएसटी है, उसमें आउटपुट लाइबिलिटी आपकी इतनी है, इनपुट क्रेडिट आपका इतना है, आप सीजीएसटी 100 एंड एसजीएसटी 100, तो हम अप्लाई कर रहे हैं ओल्ड रूल, ठीक है। तो हम सबसे पहले आईजीएसटी को पे करेंगे, तो मैं आपको ये टेबल बताता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। पर्टिकुलर्स आप ये यहाँ लाइबिलिटी लिख रखी है, आउटपुट लाइबिलिटी उसका अमाउंट लिखा हुआ है, ये आईटीसी अवेलेबल मतलब कि हम कौन सा आईटीसी यूटिलाइज करेंगे, नेट पेबल की मतलब आईटीसी यूज करने के बाद आपका कुछ पेबल बचता है या नहीं बचता, और आईटीसी कैरी फॉरवर्ड आपका कितना हो रहा है कि आपको जब आउटपुट लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दोगे क्रेडिट के साथ तो उसके बाद क्रेडिट कितना बचता है, तो ये वो कर आपको
टेबल समझ में आ गया गाइस, तो हम यूज करते हैं कि क्या है आईजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है गाइस, 1000 रुपीज है। तो आईजीएसटी को पे करने के लिए हम पहले क्या यूटिलाइज करेंगे, आईजीएसटी। तो मतलब हमने 1000 यूटिलाइज कर लिया तो खत्म होगी हमारी, तो मतलब आईजीएसटी में मतलब कितना बैलेंस खत्म हो गया, 1000 खत्म हो गया, मतलब हमारे पास 1000 पड़ा होगा गाइस। ठीक है, क्या ना गाइस आपको समझ आ गया ना, 1000 लाइबिलिटी है, हमने 1000 यूटिलाइज कर लिया तो 1000 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब 1000 रुपीज पड़ा हुआ है, तो इट मींस की 1000 रुपीज यहाँ हो गया। सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ यूटिलाइज करना नहीं, नेट पेबल है जीरो। तो अब हमने पे करना है सीजीएसटी। सीजीएसटी को पे करने के लिए गाइस क्या यूटिलाइज करना है, अगर हम ओल्ड रूल्स की बात कर रहे हैं गाइस, पहले ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या यूटिलाइज करना है, सीजीएसटी। मतलब 2000 को पे करने के लिए, इस 2000 को पे करने के लिए हम ये 2000 यूज कर रहे हैं गाइस, मेरा ये बिल्कुल चेक करना कि इस 2000 को पे करने के लिए हम सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब इस 2000 को पे करने के लिए हमने सीजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया, तो नेट पेबल आ गया जीरो। तो एट द एंड आईटीसी कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ गाइस, जीरो। मतलब 2000 में से 2000 पूरा चला गया तो जीरो बच गया, हालांकि हमें यहाँ पास इसके 1000 पड़ा हुआ है, हम देखते हैं इसे। तो ऐसी एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, 2000। ये कहां से आई, यहां से 2000। और एसजीएसटी को पे करने के लिए ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या यूटिलाइज करेंगे, एसजीएसटी, वो कितना है 1000। तो 1000 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 1000 लिख दिया एसजीएसटी को। तो बाकी जो रह गया हम कहां से पे कर सकते हैं, आईजीएसटी से। और हमारे पास, हमें पता है आईजीएसटी में हमारे पास 1000 पड़ा हुआ है, तो हमने 1000 लिख दिया। तो एट द एंड क्या हुआ, नेट पेबल जीरो आ गया और हमारे पास कोई कैरी फॉरवर्ड बचा नहीं। अगर आपको समझ आ गया है, तो हम न्यू रूल की वर्डिंग देखते हैं विद सेम फिगर्स। तो न्यू रूल में बिल्कुल सेम फिगर्स नहीं है, और आपको ऊपर पता है कि क्या लिखा हुआ है, तो हम स्ट्रेट वे चलते हैं क्या क्या इसमें क्या है। आईजीएसटी, आईजीएसटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम है कि आईजीएसटी से 1000 है, इसको पे करने के लिए पहले आप आईजीएसटी यूटिलाइज करोगे, और आपने 1000 यूटिलाइज कर लिया और आपने यहां लिख दिया, और आपके पास अभी भी 1000 बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे क्या यूटिलाइज होगा। फिर उसके बाद सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, 2000, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 2000। इसको पे करने के लिए हमें आईटीसी यूटिलाइज करना है, और पहले क्या करेंगे यूटिलाइज गाइस, आईजीएसटी। और आईजीएसटी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारी लाइबिलिटी थी 1000, हमने 1000 सेट ऑफ कर दिया यहाँ पे, और हमारे पास इस 2000 में से 1000 बच के, वो 1000 हम यूटिलाइज करेंगे सीजीएसटी को पे करने के लिए, और वो हमने यहाँ लिख दिया। तो मतलब हमने सीजीएसटी की लाइबिलिटी 1000 पे कर दी, तो 2000 की लाइबिलिटी थी, 1000 पे कर दिया, 1000 बच गया, वो हम यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ से सीजीएसटी में से। तो सीजीएसटी का इनपुट 1000 से कम हो गया, मतलब इस 2000 में से 1000 यूटिलाइज कर लिया, बाकी बच गया 1000, वो हमने कर दिया कैरी फॉरवर्ड। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा ये क्या चीज है। तो आई होप बट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बट आप कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ऐसी एसजीएसटी है, एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है गाइस, एसजीएसटी की लाइबिलिटी है 2000, ये जहां पर ये कर्सर है मेरा 2000 है, ठीक है, ये कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से, ठीक है गाइस। तो 2000 की लाइबिलिटी है, तो इसको पे करने के लिए सबसे पहले हमने क्या यूटिलाइज करना है, क्या करना है गाइस, आईजीएसटी, ठीक है ना। बट आईजीएसटी तो हमारे पास है ही नहीं है, आईजीएसटी का बैलेंस तो जीरो हो चुका है, वो हमने सीजीएसटी में यूटिलाइज कर लिया, तो मतलब आईजीएसटी नहीं है, तो अब हम क्या यूटिलाइज करेंगे, एसजीएसटी। और एसजीएसटी में कितना क्रेडिट पड़ा है, 1000, ये हमने कहां लिख दिया, यहां। तो नेट बैलेंस हमारा पेबल कितना आ गया, 1000। मतलब इसको गाइस आपको कैश में पे करना पड़ेगा, तो यहाँ आईटीसी कैरी फॉरवर्ड तो जीरो हो गया, मतलब देखो गाइस यहाँ पे सीजीएसटी आपका क्रेडिट हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, और एसजीएसटी आपको गाइस 1000 रुपए कैश में पे करना पड़ा है अपनी पॉकेट से। ऑल्दो यू आर हैविंग सफिशियंट बैलेंस इन सीजीएसटी, जस्ट बिकॉज रूल्स हैव चेंज्ड दैट कंसिडरिंग सेम फिगर्स, इफ यू विल अप्लाई ओल्ड रूल देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेमेंट आउट ऑफ योर पॉकेट, बट इन एज पर न्यू रूल्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे सो मच दिस मच ऑफ अमाउंट फ्रॉम योर पॉकेट। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे न्यू रूल आपको इम्पैक्ट कर रहा है गाइज। तो मैंने नीचे यही लिखा हुआ है, ये चीज जो मैंने बोली वही लिखी है, आप पढ़ लेना। तो इम्पैक्ट मैं ये एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू रूल ऑफ जीएसटी आईटीसी सेट ऑफ, टैक्सपेयर इज रिक्वायर्ड टू पे रुपीज 1000, ये वाला गाइज, ये फ्रॉम हिज पॉकेट इवन दो हैविंग सफिशियंट बैलेंस इन सीजीएसटी, हेंस दिस विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच गाइज, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज आप लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी सपोर्ट चाहिए आप मुझे कनेक्ट करना। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट गाइज आप तभी सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।
See you in the next video. Thank you.